हेलो दोस्तों, मैं क्लास 4 का यूनिट 4 वर्कशीट 1 यानी डिवीजन चैप्टर का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। दोस्तों डिवाइड करना है और चेक भी करना है आंसर को, तो यहाँ देना है कितना डिवाइड करना है, 98 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 क्या लिख देंगे, 98। दोस्तों 8 1 जा 8, तो यहाँ सब्ट्रैक करते हैं दोस्तों, 9 में 8 सब्ट्रैक करेंगे तो 1, उसके बाद उतारेंगे यहाँ 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ हो जाएगा 2, कट गया है ना। तो दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन आया कितना आया, 12, और रिमाइंडर आया कितना, 2। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है ना। और दोस्तों इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिविजर, ये क्वेश्चन ये रिमाइंडर है ना। तो हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, DIVIDEND, डिविडेंड इक्वल टू DIVISOR, डिविजर इंटू QUOTIEND, क्वेशन प्लस रिमाइंडर, REMAINDER है ना। तो इसमें बैठाएंगे आप, देखिए हम लोग को डिविडेंड ये निकालना है चेक करने के लिए। डिविजर जिससे डिवाइड करते हैं 8 है, क्वेशेंट 12 है, और रिमाइंडर दोस्तों 2 है ना। तो 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96, और प्लस है 2, तो 96 प्लस 2 98। देखिए देखिए दोस्तों डिविडेंड कितना निकला, 98, यहाँ भी 98 था, इसका मतलब चेक हो गया। ऐसे ही चेक करना है। चलिए बी नंबर बता रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर क्वेशन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर, आगे बता रहा हूँ। उसके बाद है बी नंबर, 9 से डिवाइड करना है किसना को दोस्तों, 87। तो दोस्तों यहाँ तो पहले एक संख्या लेते हैं, तो इससे छोटा है तो नहीं चलेगा, इसको हम दोनों संख्या लेंगे तो कितना बार में चलेगा दोस्तों, तो 9 9 जा 81, उधर यहाँ हो जाएगा 6। इसमें क्वेश्चन कितना आया दोस्तों, 9, और रिमाइंडर आया 6। तो हम लोग को डिविडन इक्वल टू है ना, डिविजर डिविजर 9 है इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है प्लस रिमाइंडर 6, 9 9 जा 81 प्लस 6, तो यह जाएगा 87। देखिए 87 यहाँ था, मिल गया दोस्तों, यही चेक करने दिखाना आपको। अगला बता रहा हूँ सी नंबर, 10 से डिवाइड करना है कितना को दोस्तों, 7 2 5, पहले 7 लेंगे तो नहीं चलेगा, तो डबल संख्या लेंगे 72, तो 10 7 जा 70 सब्ट्रैक करेंगे ये कट जाएगा 5, 10 2 जा 20 कट जाएगा, तो सॉरी यहाँ 10 5 में 0 घटाएंगे तो 5 यहाँ कट जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन कितना आया, 72, और रिमाइंडर कितना आया 5। तो हम लोग को डिविडेंड निकालना है, तो डिविजर डिविजर कितना है 10, क्वेश्चन क्वेश्चन कितना है 72 प्लस रिमाइंडर 5, 72 1 जा 72, और 1 0 था तो 1 0 बढ़ा दिए प्लस 5, 720 प्लस 5, तो 725, यहाँ भी देखिए 725 था, तो सो मैच कर गया, इसका मतलब ये सही है, चेक करने चेक कर दिए। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद सी के बाद डी नंबर, 7 से डिवाइड करना कितना, 54, और यहाँ 7 है दोस्तों, सिंगल संख्या लेंगे तो नहीं चलेगा, तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो 54 ले लेते हैं, 7 7 जा 49, तो यहाँ सब्ट्रैक करेंगे, 4 में 7 नहीं, इसे कैरी लेंगे तो 14 में 7 घटाएंगे तो 5, और यहाँ दोस्तों कैरी दिए थे तो 4 में 4 गए, कट जाएगा 7 उतारेंगे। उसके बाद है फिर 7 6 7 8 जा 56, दोस्तों यहाँ होगा 1, ये कट जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन कितना आया, 78, और रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 1 है ना। तो हम लोग को चेक करना है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर, डिविजर कितना है 7, क्वेशेंट 78 प्लस रिमाइंडर 1। अब दोस्तों इधर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 7 जा 49 प्लस 5 54 प्लस 1 था, तो 6 प्लस 1 तो हो जाएगा 7, और 4 और 5 दोस्तों, तो ये देखिए 400 547, यहाँ भी 547।
मैच कर रहा है। अगला बता रहा हूँ यहाँ दोस्तों, डी के बाद ई, टेन से डिवाइड करना कितना को, 918। पहले सिंगल संख्या लेंगे नहीं चलेगा दोस्तों, तो डबल लेना पड़ेगा, तो 10 9 जा 90, यहाँ होगा 1, ये कट जाएगा, उसके बाद 8 उतारेंगे, 10 1 जा 10, यहाँ होगा 8, तो क्वेश्चन आया कितना 91, रिमाइंडर आया 8। अब हम लोग को डिविडेंड निकालना है, डिविजर, डिविजर 10 है, क्वेश्चन 91 प्लस रिमाइंडर 8। 91 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 ही होगा, और 0 का 0 प्लस, तो 91, तो यहाँ 0 प्लस 8 8 और जी 8 और 1 का 1, यहाँ लिख देता हूँ 8 प्लस 0 8, 1 का 1 और 9, तो इतना हो गया दोस्तों। यहाँ भी देखिए 918 यहाँ भी है, 918 यहाँ मिल गया। नेक्स्ट बता रहे हैं, एफ नंबर में 6 से डिवाइड करना कितना को, 132। दोस्तों 1 लेंगे तो नहीं चलेगा, डबल लेंगे, तो 6 2 जा 12, यहाँ होगा 1, ये कट जाएगा, इसका मतलब फिर 6 2 जा 12, पूरे कट गया, क्वेश्चन इक्वल टू 22 और रिमाइंडर हो गया 0। तो डिविडेंड हम लोग को निकलना है दोस्तों, डिविजर 6, क्वेश्चन 22 प्लस रिमाइंडर 0, कुछ नहीं तो 0 है दोस्तों, इसमें 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 प्लस 0, तो वही रहेगा। यहाँ देखिए 132 यहाँ भी था, 132 चेक कर दिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अब क्या यहाँ क्या करना है, टू नंबर में कीपिंग द रिलेशन बिटवीन डिविजर, क्वेशन, रिमाइंडर एंड डिविडेंड इन द इन माइंड फाइंड द मिसिंग नंबर। दोस्तों माइंड से कैलकुलेशन करके निकालने बोल रहा है, तो दोस्तों यहाँ देखिए टू नंबर का ए नंबर बता रहा हूँ, डिविडेंड, डिविजर, क्वेशन, रिमाइंडर, डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड जो होता है डिविजर इंटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर, है ना, तो ये हो जाएगा 8 × 6 + 4, है ना, डिविडेंड वाला जो फॉर्मूला लिखे थे, अब यहाँ देखिए दिखा देता हूँ आपको, यहाँ जैसे लिखे थे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस डिविजर इंटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो डिविजर इंटू क्वेशन 3 है प्लस 4, तो यहाँ 8 6 जा 48 प्लस है 4, 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5, तो हो जाएगा यहाँ 52, इस वाला में 52 भरा जाएगा, समझ आया है दोस्तों, तो आपको कैलकुलेशन करने का मैं बता दिया हूँ, यहाँ 52 भरेंगे। बी नंबर का बता रहा हूँ, यहाँ भी होगा डिविजर 3 × 11 + 2, तो 11 3 जा 33 + 2, तो हो जाएगा 35, इस वाला बॉक्स में 35 भरा जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर में, यहाँ भी दिया हुआ दोस्तों, डिविजर इंटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर, 8 8 जा 64 + 0, तो 64 ही रह जाएगा, तो इसमें दोस्तों 64 भरा जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, डी नंबर में क्या किया है दोस्तों, डिविजर इंटू क्वेशन तो दिया हुआ है लेकिन रिमाइंडर पता नहीं है, लेकिन हम लोग को डिविडेंड पता है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग 8 7 जा 8 × 7 और इधर इक्वल टू है कितना, 56 दिया हुआ, तो 8 7 जा 56, इसका मतलब दोस्तों यहाँ प्लस क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर करते तब ना 56, इसका मतलब रिमाइंडर में 0 हुआ होगा तभी ना 56 ही रहा। देखिए यहाँ फिर से दोस्तों, ई मतलब डिविजर इंटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर करते हैं ना, तो डिविडेंड मिलता है, तो इसको मिलने के लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ करते हैं, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करें, यही 56 आ गया, है ना, तो 56 यहाँ था, इसका मतलब यहाँ 0 हुआ होगा, तो डी नंबर का आंसर होगा 0। सेम सवाल यहाँ भी है, यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, डी के बाद ई नंबर बता रहा हूँ, 6 4 जा 6 × 4 प्लस यहाँ क्या होगा जो 27 होगा, यहाँ देखिए 6 4 जा 24 प्लस यहाँ क्या देंगे जो 27 होगा, तो यहाँ आपको लग रहा होगा 3 होगा, दूसरा ये इसको माइनस इसको करते है ना, 27 में 24 घटाएंगे तो 3 होगा, तो इसमें 3 बना जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा, दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू दोस्तों। अगर और भी वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर मेरा देख सकते हैं, वहाँ एक तरफ से बनाए हुए हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।